वेलकम टू ईशानी वीडियोस। अब आपको देखने को मिलने वाला है नागिन सीजन 4 में एक तांडव, जिसके बाद में रूप परिवर्तित होगा वृंदा का। और यहाँ पर रूप परिवर्तन का कारण कोई और नहीं, वहाँ पर मान्यता की मौत होगी। मान्यता की मौत कैसे हुई आपको तो पता ही होगा, जो कि हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया था और कल की वीडियो में भी बताया। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि विशाखा का प्लान कामयाब तो हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी साजिश रची गई है। अब वो क्या साजिश है, चलिए हम आपको बताते हैं। और तांडव के बाद में यहाँ पर वृंदा का नया रूप क्या होगा और आने वाले एपिसोड में क्या खास होगा और क्या यहाँ पर नया ट्रैक आने वाला है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड में क्या खास देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले विशाखा ने रूप रखा यहाँ पर देव का, और देव का रूप रखकर उसने मार दिया मान्यता को, जिसका सीधा सीधा सारा इल्जाम आया देव के ऊपर। और यहाँ पर वृंदा ने पहुंचते ही देख लिया कि यहाँ पर देव मारते हुए नजर आ रहा है उसकी माँ मान्यता को। अब उसके मन में ऐसी भावना बैठ गई है कि उसको उसकी माँ को किसी और ने नहीं, यहाँ पर देव ने मारा है। और उसके बाद में उससे बदला लेने के लिए अब यहाँ पर नया ट्रैक शुरू हो चुका है, यानी अब पूरी तरह से कहानी बदली जा चुकी है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब एक तांडव होने वाला है, जहाँ पर वो अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए वृंदा तांडव करेगी, और उसके बाद में उसे एक नया रूप मिलेगा, और यहाँ पर वो अपना सीधा निशाना बनाएगी पहले देव को। लेकिन देव को निशाना बनाने से पहले एक नया ट्रैक शुरू होने वाला है, जो कि है होली का। अब यहाँ पर होलिका दहन होने वाला है। होलिका दहन के दौरान यहाँ पर अब देव के ऊपर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है बनकर वृंदा। अब वृंदा क्या देव को मार देगी या फिर उसके सामने सच्चाई आएगी? अभी एक सच्चाई सामने आने वाली है वृंदा की, लेकिन वो क्या सच्चाई है आपको जल्द ही पता चल जाएगा। और यहाँ पर देव को वृंदा नहीं मार पाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और सबसे बड़ा मोड़ आएगा कहानी में, जो कि एक नई एंट्री को लेकर है, और उसका खुलासा हम जल्दी आपके सामने करेंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो पहले कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें।